बिजली महादेव टेंपल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की ब्यास रिवर और पार्वती रिवर के बीच में एक माउंटेन टॉप पे लगभग 2460 मीटर के एल्टीट्यूड पे एक काफ़ी पुराना भगवान शिव का मंदिर है। मंदिर से पार्वती वैली और कुल्लू वैली का काफ़ी ज़्यादा सुंदर पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है, जिसे देखने हज़ारों लोग हर साल यहाँ विजिट करते हैं। मंदिर के सामने ही लगभग 60 फुट ऊंचा एक लकड़ी का खंभा है, जिस पर 12 सालों में एक बार आसमानी बिजली गिरती है और जिसकी वजह से मंदिर के अंदर रखा शिवलिंग चूर चूर होकर बिखर जाता है और फिर मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो शिवलिंग के टुकड़े इकट्ठे करके उसे मक्खन के साथ जोड़ते हैं और फिर से वो शिवलिंग वैसा का वैसा हो जाता है और इसी वजह से ही इसे बिजली महादेव के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग बिजली महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं और साथ ही आपको भी दर्शन करवाते हैं और साथ में आपको बताते हैं कि आप भी यहाँ किस तरह से कैसे आ सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ। बिजली महादेव बाय रोड कुल्लू से लगभग 25 किलोमीटर है और कुल्लू बस स्टैंड से ही आपको बिजली महादेव के लिए बस मिल जाती है। तो गाइस ये यहाँ पे हम पहुँचे हैं बिजली महादेव से नीचे 2 किलोमीटर नीचे तक ये रोड आती है। थोड़ी सी 1 किलोमीटर की रोड ये कच्ची है, बाकी रोड पक्की थी। तो यहाँ पे ये हमने गाड़ी पार्क किया और यहाँ से ऊपर के लिए रास्ता जाएगा, लेकिन लंच टाइम हो चुका है तो पहले हम यहाँ पे लंच करेंगे उसके बाद चलेंगे। और बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी देखते हैं जा भी पाते हैं या नहीं आज बारिश ज़्यादा हुई। तो गाइस यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं और ये सीढ़ियाँ जाती हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ ये जाती है सीधे बिजली महादेव की तरफ। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन फोन की चार्जिंग अभी लो है तो मोहनी पहले चार्जिंग पॉइंट ढूँढ रहा है। जहाँ पर चार्जिंग पॉइंट होगा वहाँ पर हम लंच करेंगे। ये तो हमें हैं ऊपर, शायद ऊपर वाले में होगा तो देखते हैं। खाना खा के अब 3:15 हैं, तो इस टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से अपनी हाइक। तो देखते हैं कितनी देर में हम बिजली महादेव पहुँचते हैं और फिर बताते हैं आपको टाइम कितना लगेगा। तो गाइस आप देख रहे हैं ये रास्ता है और काफ़ी लोग यहाँ पे जाते हैं विद फैमिली, तो कोई भी ये हाइक कर सकता है। अच्छा रास्ता बना हुआ है, कोई रास्ता भूलेंगे नहीं आप, तो आराम से ये हाइक कर सकते हैं आप। तो गाइस ये हो रहा है नींबू पानी ब्रेक। तो गाइस सारा ये देवदार के जंगलों के बीच से ही रास्ता है, तो ये जैसे ही जंगल क्रॉस करेंगे आप तो रास्ता ख़त्म होता है। तो ये देखिए ऊपर आपको कुछ हट्स वगैरह यहाँ दिखेंगे, टेम्परेरी ढाबे वगैरह हैं, तो खाने पीने का सामान मैक्सिमम मिल जाता है आपको। और जगह जगह पे ये देखिए कूड़ेदान भी लगे हुए हैं, तो आप प्लीज़ ये ऐसे बाहर मत फेंकिए कूड़ा, और इसके अंदर ही बहन फेंकिए। पूरे रास्ते पे ये लगे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी है, मुझे अच्छा लगा यहाँ का सारा सिस्टम। तो बस लगभग पहुँच ही गए, ये देखिए यहाँ भी काफ़ी सुंदर मैडो है और बीच में ये टेम्परेरी ढाबे जैसे बने हुए हैं और मंदिर है वहाँ पे आगे जाके। चलिए तो मंदिर की तरफ को ही हम जा रहे हैं। टोपी नहीं है, दट्टू थी वो भी। तो आप जैसे ही बिजली महादेव के टॉप पर पहुँचते हैं तो आपको चारों तरफ पहाड़ों का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। मंदिर की एंट्री वाली साइड पे आपको पार्वती वैली का व्यू देखने को मिलता है। तो गाइस फाइनली हम बिजली महादेव टेंपल में पहुंच चुके हैं और हमें 45 मिनट लगे यहां तक पहुंचने में।
तो आप भी 45 मिनट में आराम से बिजली महादेव टेम्पल तक पहुंच सकते हैं। तो ये है बिजली महादेव का मंदिर, और मंदिर के सामने ही ये लकड़ी का 60 फुट लंबा स्तंभ है, जिस पे 12 साल में एक बार आसमानी बिजली गिरती है और बिजली महादेव का शिवलिंग खंडित हो जाता है। और मंदिर के प्रांगण में ही ये नंदी बैल और कुछ शिवलिंग रखे हुए हैं। और मंदिर की दूसरी साइड को आप जाएंगे तो कुल्लू का भुंतर एरिया आपको दिखता है, और कुल्लू वैली सारी यहाँ से क्लियरली दिखती है। ये बीच में भुंतर एयरपोर्ट है और ब्यास रिवर दिख रही है, और इसी व्यू को देखने के लिए भी कई सैलानी यहाँ पर आते हैं। तो आप लोग भी विद फैमिली यहाँ पे पिकनिक के लिए आ सकते हैं, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो बोलो हर 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 महादेव। तो गाइस अभी हम बिजली महादेव काफी टाइम बिताने के बाद यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है मुझे लगता है। अभी हम वापिस जाते हैं, ठंडी भी लग रही है। तो अभी से मनाली की तरफ जा रहे हैं, और आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और वापिस अभी रोड पे जाएंगे अपनी गाड़ी में और वापिस आके जाएंगे। तो आपसे मिलेंगे अब हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।